बिहार में 1 जून को अंतिम चरण के चुनाव में 8 संसदीय सीटों पर वोटिंग होनी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, लेकिन इस बीच बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों ने लॉ कॉलेज परिसर में एक छात्र को करीब 10 से 15 लोगों की भीड़ ने लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। वैशाली का रहने वाला हर्ष पटना में रहकर पढ़ाई करता था और छात्र राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि बीते सोमवार पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज परिसर में बीए कॉलेज के छात्र हर्ष को 15 अज्ञात लड़कों ने पीट पीट कर मार डाला। हर्ष बीए थर्ड ईयर का पेपर देकर निकल रहा था, बुलेट पर बैठकर आगे बढ़ते ही अज्ञात लड़कों ने ईंट चलाकर उसको गिरा दिया। करीब 15 की संख्या में लड़के लाठी डंडा लेकर वहां पहुंचे, फिर हर्ष को बुरी तरह पीटने लगे। हर्ष के साथ उसका साथी था। अज्ञात लड़कों ने उसे 2-3 डंडा मारा, जिसके बाद वो वहां से जान बचाकर भाग गया। इसके बाद अज्ञात लड़कों ने हर्ष को मारना शुरू किया। लड़कों ने हर्ष के सीने पर कई बार ईंट से वार किया। जब हर्ष बेहोश हो गया तब वहां से वारदात में शामिल लड़के फरार हो गए। इस घटना से पटना पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े हुए। पटना पुलिस सवालों के घेरे में थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर धड़ाधड़ एक्शन देखने को मिले और एसआईटी टीम का गठन किया गया और इस मामले में एक छात्र को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया गया। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। चंदन यादव वामपंथी छात्र संगठन AISA से जुड़ा हुआ है। चंदन ने इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची और पुरानी रंजिश को लेकर हर्ष को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी चंदन भी पटना कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र है और पटना के बेटा का रहने वाला है। इस मामले में अन्य आरोपियों की भी पुलिस पहचान द्वारा कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बता दें कि हर्ष की हत्या की प्लानिंग आरोपियों ने पहले से ही कर ली थी। सभी आरोपियों ने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। हर्ष छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहता था। वहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि पिछले साल अक्टूबर में मिलर स्कूल ग्राउंड में डांडिया नाइट कार्यक्रम के दौरान पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों से विवाद हो गया था। तब से उन छात्रों के निशाने पर हर्ष था। पुलिस के अधिकारी इन दोनों एंगल पर भी जांच कर रहे हैं। वही हर्ष की हत्या को लेकर पटना में उबाल है। भीषण गर्मी के बीच बीते मंगलवार को छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प तक हो गई। छात्रों के नहीं मानने पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा।